मोदी कैबिनेट में इस बार सबसे ज्यादा करीब 71 मंत्रियों ने शपथ ली है और इस बार भले ही यूपी में एनडीए की सीटें कम हुई लेकिन मंत्रिमंडल में यूपी और बिहार का दबदबा कायम नजर आया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर देश के बड़े 5 राज्यों में एनडीए के कितने सांसद और मोदी कैबिनेट में इन राज्यों से कितने मंत्री बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें थी करीब 80, जहां पर बीजेपी प्लस के 36 सांसद चुनकर आए जिसमें से 11 लोगों ने शपथ ली है। बिहार में 30 सांसद जीते, 8 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं देखिए गुजरात में 25 सांसद जीते हैं और 6 मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में 17 सांसद जीते और 5 मंत्री बनाए गए। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती और 5 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान की हम बात कर ले तो यहां पर 14 सांसद जीते और 4 मंत्री बनाए गए हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, हम देख रहे हैं कि देखिए अब मंत्री पद की शपथ तो ली गई है लेकिन पोर्टफोलियो पर सस्पेंस अभी भी जारी है। करीब 12 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब तक मंत्री पद जो है वो बांटे नहीं गई है। क्या लग रहा है किसे कौन सा पद मिल सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कल रात शपथ हुई, कल शाम को 7:15 बजे शपथ विधि का प्रोग्राम शुरू हुआ लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो का एलोकेशन होना बाकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद अब पोर्टफोलियो का एलोकेशन होगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यही फिलर्स आ रहे थे कि पोर्टफोलियो के एलोकेशन की जो लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है। इसी वजह से नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, ये चारों मिनिस्ट्री हैं, यहाँ पर हलचल बढ़ गई थी लेकिन अब सभी मंत्री जो हैं वो कैबिनेट में गए हैं उस पहली कैबिनेट में भाग लेने के लिए और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन होगा। लेकिन कुछ अंदेशा जो अभी तक की जो मूवमेंट हुई है दिन भर की उससे लगाया जा सकता है कि जयशंकर को हो सकता है कि वापस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिले। फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण एक फिर रिपीट कर सकती हैं लेकिन क्यास जो हैं वो बहुत और भी लगाए जा रहे हैं लेकिन जो अभी तक के जो पता लग पा रहा है वो ये है कि जो मोदी सरकार है वो ज़्यादा उलट फिर नहीं करेगी कैबिनेट मंत्रिमंडल में लेकिन ये सब क्लैरिटी तभी आ पाएगी जब एक ऑफिशियल रिलीज आ जाए। लेकिन ये तय है कि आज रात तक इस पे सफाई आ जाए। शाम को पहले उम्मीद की जा रही थी 4:30 बजे तक लिस्ट आ जाएगी लेकिन अब कह रहे हैं कि 6:30-7 भी बच सकते हैं तो हमें इंतज़ार करना होगा ऑफिशियल लिस्ट का कि किसको क्या मंत्री मंत्रालय मिलता है।